के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं है, जो मैंने उनसे और उनके बारे में जान जान कर जानकारी इकट्ठी की है। मंगेशकर, सुरों का अपार खजाना, ये तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन इसके अलावा क्या है लता मंगेशकर? क्रिकेट की जबरदस्त फैन, एक्सपर्ट फोटोग्राफर, मसालेदार कोल्हापुरी मटन की शौकीन, हीरो की पार्क की ज्वेलरी डिजाइनर, फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर मिमिक्री आर्टिस्ट, या फिर आनंद गन के नाम से मराठी फिल्मों में संगीत निर्देशन करने वाली फिल्म इंडस्ट्री की दुलारी। करोड़ों श्रोताओं की चहेती और हर गायक की प्रेरणा तो वो है ही। बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद लता दी आज भी अपने संस्कार को नहीं भूली। आज भी वो किसी भी स्टूडियो में प्रवेश करने से पहले अपनी चप्पल उतारती है, रिकॉर्डिंग खत्म होने तक खाना नहीं छूती और बड़ी श्रद्धा से कुलदेवता मंगेश पूजा करती है। अपने उसूल पर कायम रहती है। स्वभाव में शालीनता तो कूट कूट कर भरी है, जिसका ताजा उदाहरण है पेडल रोड फ्लाईओवर विवाद। लता दी ने बड़ी शालीनता से कहा कि वो किसी जनहित योजना के खिलाफ नहीं। जादुई आवाज से दुनिया पर राज करने वाली लता दीदी का संगीत देश, उम्र और समय की बंदिशों पर सवालिया निशान खड़ा कर देता है। गाया हुआ माँ की ममता बयान करता ये गाना हो, या फिर बावरी हुई युवा दिल की ये आवाज, दर्शकों से लता दी की आवाज में वो ही जादू
वालों के दिल की यही आरज़ू है कि सुरों की मल्लिका का ये जादू हमेशा बरकरार है। पूर्णिमा सूर्यवंशी, जी न्यूज़, मुंबई। अपने आप में बहुत बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है, और जितना भी आदमी उससे जाने उतना कम है। मुझे नहीं लगता कि एक प्रोग्राम काफी है या एक विवरण काफी है उनके बारे में। लता मंगेशकर के सुरों के कायल ये वो मुरीद हैं जिन्होंने बरसों बाद अपनी लता दीदी की जिंदगी को इतने करीब से रेडियो पर महसूस किया। मुंबई में रहने वाला सिंह और तिवारी परिवार तो बाकायदा अपना काम काज छोड़ 4.5 घंटे तक रेडियो को टकटकी लगा स्वर साम्राज्य की आवाज सुनते रहे। वर्ल्ड में लोग 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। मेरी ओपिनियन में लता जी को अगर 8th वंडर कहा जाए तो उससे अच्छी बात और उससे इस देश के लिए इससे ज्यादा सम्मान की बात कुछ और नहीं हो सकती है। इस एरा में आज ये जो प्रोग्राम ना और लता जी के गाने और उनकी यादें सुनने से सुनने के बाद लगता है कि म्यूजिक को एक नई जिंदगी फिर से मिल गई। सात सुरों के साथ लता के खट्टे मीठे अनुभव सुन श्रोताओं को समय का भी पता न चला। इस गाने को जब ये इस गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी उस समय लता दीदी और राज कपूर के बीच में थोड़े से मतभेद थे। उस मतभेद के कारण लता मंगेशकर जी ये गाना नहीं चाहती थी, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और उसके गीतकार नरेंद्र शर्मा जी के आग्रह पे इन्होंने ये गीत गाना स्वीकार किया। और जब ये रिकॉर्डिंग देने के लिए स्टूडियो में पहुंची तो उस समय इनके मन में बहुत गुस्सा भरा हुआ था राज कपूर के प्रति, वो गाना नहीं चाहती थी। फिर भी उन्होंने एक टेक में यह गाना गा दिया और गाना गाने के बाद तुरंत निकल कर अपनी कार में बैठ कर चली गई। पूरा देश क्या पूरा हिंदुस्तान पूरा दुनिया ही उनको पसंद करती है, बल्कि हमारे हिंदुस्तान की पहचान लता जी से होती है। जिस तरह से इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी से अमेरिका की पहचान होती है, शायद उसी तरह से हिंदुस्तान की पहचान होती है लता जी से। लता की इस चुलबुली और दिलों को छू जाने वाली आवाज के चाहने वालों को अभी इंतजार है इस सुरों की मल्लिका के फिर से रेडियो पर आने का। इकबाल परवेज, जी न्यूज़, मुंबई।